Hello all. FI BCom Financial Accounting Unit 1, that is Accounting Concepts, Conventions and Principles and an Overview of Emerging Trends in Accounting. मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम करता हूँ. आज का ये जो टॉपिक है, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स एंड ओवरव्यू ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये हम देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिजनेस क्या है. तो बिजनेस बेसिकली कुछ नहीं है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट. बिजनेस बेसिकली एक एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स है. जब हम माल की खरीदी बिक्री करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, हम कमाने के लिए अगर माल खरीदते बेचते हैं, या अगर हम कोई सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं टू अर्न समथिंग कमाने के हिसाब से, देन दिस विल बी नथिंग बट टर्म्ड एज अ बिजनेस. अब यहाँ पर जब हम व्यापार करते हैं तो बिजनेस करते हुए हम बहुत सारे डीलिंग्स में डील करते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शंस में डील करते हैं. और ये डिफरेंट ट्रांजेक्शंस जो हम लेन देन के करते हैं, माल की खरीदी बिक्री करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज हम लेते हैं, सर्विसेज हम देते हैं, तो इन सर्विसेज को लेने और देने के लिए जब हम बहुत सारे ट्रांजेक्शंस करते हैं तो इन ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं. दैट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग. तो व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड एनालाइजिंग, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स. तो बेसिकली अकाउंटिंग में हम करते यही हैं, रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को जो हमने किए हुए हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में, उसको समराइज करते हैं, उसको ब्रीफ करते हैं, और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं और उससे कुछ फाइनल रिपोर्ट्स बनाते हैं, विच हैज़ वराइटी ऑफ यूजेस, बहुत सारे उसके यूजेस हैं. इन यूजेस को फुलफिल करने के लिए हम अकाउंटिंग प्रोसेस से जाते हैं, हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेने के बाद हम उसका एनालाइजिंग करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, जो भी इसकी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ है उन तक इन रिपोर्ट्स को हम पहुंचाते हैं. यहाँ पर ये जो फर्स्ट चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर की, दैट विल बी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, विच इंक्लूड दैट अनदर बोथ थिंग्स. तो प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ अमेरिका ने ये उसकी डेफिनेशन दी है, दैट इट इज़ अ जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन, इट इज़ अ बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस. बेसिकली प्रिंसिपल्स, उसूल ये है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो वी फॉलो अ प्रॉपर प्रैक्टिस. हम एक स्पेसिफाइड रूल के हिसाब से उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, लॉज, जनरल लॉज जो है हम उनको फुलफिल करते हैं, उनको फॉलो करते हैं और हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं. तो वाइल रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वी फॉलो अ लॉट ऑफ रूल्स, हम बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और अकाउंटिंग करते हैं. और ये जो रूल्स हैं ये यूनिवर्सल रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में हैं तो हम सिर्फ इंडिया में इसका यूज़ करते हैं. फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो फॉलोइंग सच काइंड ऑफ रूल्स, यही रूल्स वहाँ पर भी चलते हैं, ईच एंड एवरीवेयर इन रूल्स को हम जनरली फॉलो करते हैं. तो यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में दो चीज़ें इंक्लूड है, एक तो है कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स बेसिकली कुछ नहीं है, अकाउंटिंग के वो बेसिक आइडियाज़ हैं, अकाउंटिंग की वो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बेस पर ये पूरा अकाउंटिंग सिस्टम हमारा बेस है. हमने जो भी, आपने अकाउंटिंग स्टडी किया हुआ है अभी तक, आपका जो भी 11th और 12th का जो स्टडी हुआ है, जो आपने अकाउंटिंग की बेसिक प्रैक्टिसेस आपने स्टडी की है, बेसिकली ये चैप्टर आपने 11th में स्टडी किया हुआ है, बट अभी यहाँ पर और इन डिटेल हम यहाँ पर इस चैप्टर को डील कर रहे हैं. तो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली कुछ नहीं है, अकाउंटिंग के वो आइडियाज़ है जिसके बेस पर, वो प्रिंसिपल्स है, वो उसूल है जिनके बेस पर हम अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. एंड सेकंड थिंग इज कन्वेंशंस. कन्वेंशंस आर नथिंग बट जनरल प्रैक्टिसेस. तो कन्वेंशंस कुछ नहीं है, जनरल प्रैक्टिसेस है इन अ लोकल मार्केट, एक लोकल मार्केट में चल रही हुई जनरल प्रैक्टिसेस है. या वाइल रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाइल डीलिंग इन डिफरेंट थिंग्स, जब हम ट्रांजेक्शन्स में डील करते हैं तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसको मान कर चलते हैं, उनको एज्यूम कर कर चलते हैं. तो ये अकाउंटिंग की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जिनको हम आगे चलकर स्टडी करने वाले हैं. आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस है, इसमें जो सिलेबस आपको दिया गया है, इस चैप्टर के दो पार्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस एंड रिसेंट एडवांसेस. तो वो बाद में हम स्टडी करेंगे, पहले हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बारे में बात करते हैं. तो ये 12 कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आगे चलकर हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सेकेंड है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट,
थर्ड है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, फोर्थ है पीरियोडिसिटी, देन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रुअल और कैश कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल दैट इज कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो ये जो बेसिक हमने यहाँ पर अभी ये 12 कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जो मेनली हम देखने वाले, इसमें से कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट्स है, कुछ चीज़ें कन्वेंशंस है, आगे चलकर जब हम इसको इंडिविजुअली डील करेंगे तब हम इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे अब एक एक कॉन्सेप्ट्स हम लेंगे और उसमें डील करेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।